अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद, और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती अहमद यार में मौजा मदरसा में, और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मोहम्मद आसफ़ साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अहमद फिलिंग स्टेशन के, और इनसे मिलते हैं। सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं, ख़ासतौर पर ये ज़िम्मेदार भी हैं, कि ज़िम्मेदारों के हवाले से इस वक्त इनको किन मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है, और बिज़नेस के हवाले से बात करता जाऊँ तो यहाँ पर पेट्रोल पम्प चला रहे हैं, क्या ये हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, कोई हुकूमत पाकिस्तान इनको सहूलियात प्रोवाइड करती है साफ पानी के हवाले से, महंगाई के तनासब के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मेरे ख्याल में कोई 22-23 पेट्रोल पम्प पे टैक्स लगाए गए हैं उस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी मोहम्मद आसफ़ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक जी। सबसे पहले एक तो आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं जी, जी। दूसरा आप माशाल्लाह ज़िम्मेदारा भी करते हैं जी, बिल्कुल। आप बिज़नेस कम्युनिटी से भी तल्लक रखते हैं और ज़िम्मेदारा के हवाले से भी, ज़िम्मेदारा के हवाले से इस वक्त आप किन मसाइल से दो चार हैं, ताकि हम हुकूमत पाकिस्तान को दिखा सकें कि हमारे ज़िम्मेदारा के मसाइल हल हो सके तो हमारा मुल्क जो है ना मौशी हालत में बेहतर की तरफ आ सकता है। ज़िम्मेदारा जो है वो सब अपना महंगाई की तरफ जा रहा है जी। DAP कितनी महंगी है और सब्सिडी जो मिली है वो ज़िम्मेदार को तो मिल नहीं रही, मिल वो थैले ऐसे ही पड़े हैं ज़मीनों में, तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये रेट कम कर देते, DAP का यूरिया दे देते जी, ड्रेक्ट दे देते, और डीजल पेट्रोल 4500 की कर देते। डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगे ने, दिन ब दिन महंगाई जड़ी बहुत उत्ते जा रही है, और जो मुंजी का रेट है वो नीचे आ रहा है, बिकती नहीं, वो रुलती फिरती है, ज़िमींदार को तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आपके इलाके में किस कौन कौन सी फसल होती है? फसल हो मुंजी, कमांद और मक्की। मक्की का रेट तो बेहतर है लेकिन मुंजी और कमांद ये रुलता है, बिकता ही नहीं अच्छे तरीके से, इसका कोई रेट नहीं है, बहुत परेशान होते हैं हम, और यही मसले पेश आ रहे हैं। ज़िम्मेदार ये कहते हैं कि ये जो ज़रिया दवायात हैं, खाद बीज वगैरह, ये दो नंबर तरीके से मिलती हैं जी, बिल्कुल दो नंबर मिलती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, जहर जो आ रही है वे ये भी दो नंबर है, इसका रेट बहुत है, किसी किस्म का वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हर किस्म की परेशानी ज़िम्मेदार उठा रहा है, बहुत ज़िम्मेदार को परेशानी है। नहरी पानी के हवाले से क्या? नहरी पानी के हवाले से यही मामलात है, नहरी पानी है ही नहीं, फ्यूल चला रहे हैं। तो यहाँ आप माशाल्लाह आपने पेट्रोल पंप लगाया है जी, यहाँ पे आप बैठे हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं 22-23 यहाँ पे इंशाल्लाह टैक्स हैं, हाँ जी देते हैं टैक्स। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान आपको कुछ सहूलियात भी? कोई सहूलियात, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं, कि हम लोग सिर्फ टैक्स ही दिए, टैक्स ही दे रहे हैं, कोई सहूलियात नहीं। साफ पानी के हवाले से क्या कहेंगे? साफ पानी जो वो तो हमारा नीचे का भी ठीक है, अच्छा, हाँ जी, वाटर सप्लाई का ज़रूरत ही नहीं इधर, सही। और जो बिजली के बिल हैं ये कमर्शियल पे कर रहे हैं, टैक्स बहुत है, सही, और बहुत परेशानियाँ हैं इसमें भी, कोई टैक्स दे रहे हैं लेकिन सहूलियात नहीं है, गवर्नमेंट कोई ऐसा सहूलियात नहीं है जो हमें मिल सके। 3 साल हो गए PTI की हुकूमत को, क्या उससे आप मुतमईन नज़र आते हैं? नहीं जी, हम तो मुतमईन नहीं हैं, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं, कोई ऐसी ज़मींदार को फ़ायदा नहीं हुआ, बिजनेस मैन को फ़ायदा नहीं हुआ, यही मामला सामने आ रहे हैं। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को, खान साहब को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अभी तो उनके 2 साल बाकी हैं, क्या उनको हमारे नसीब हैं जी जो मिल रहे हैं हमें, अभी हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे नसीब हैं, ना तो खान साहब का फ़ायदा हुआ आए का, ना नवाज शरीफ का फ़ायदा था, हमें तो किसी पार्टी ने भी फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन ये हम तो यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला के मामलात हैं, ये हमारे नसीब हैं जो हम अपने भुगत रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जी कोशिश करेंगे हम कि आपके मसाइल को हल किया जाए, हमारा काम तो आवाज़ उठाना, ठीक, इम्प्लीमेंट तो हम करवा नहीं सकते, वो हुकूमत पाकिस्तान जी, का काम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसफ़ साहब। ओके, नाज़रीन थे हाजी मोहम्मद आसफ़ साहब, जो कि अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि खासतौर पर ज़िम्मेदारों के हवाले से, मैंने पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िम्मेदारों के हवाले से यही बात कही थी कि कोई रिलीफ जो है ना वो नहीं मिलता, और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि थोड़ा सा ज़िम्मेदार को प्रमोट करें, अगर हमारा ज़िम्मेदार प्रमोट होगा तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मुल्क की बेहतरी तरक्की करेंगे। और दूसरा जो है ना, यहाँ पे कम से कम जो है ना टैक्स लगाए जा रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो है ना कोई सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रही, और हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि आवाम टैक्स पे करती है। पेट्रोल पम्प की बात करता जाऊँ, 22-23 जो है ना टैक्स लगाए गए हैं लेकिन अभी तक उसके क्या कहते हैं कोई सहूलियात जो है ना हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही। ये भी गुजारिश करूंगा खान साहब को, अब तो 3 साल मुकम्मल होने को हो रहे हैं,
बाकी 2 साल वो तो रहते हैं, कुछ ना कुछ जो वादे किए थे आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, जिस रीजन से आप आए थे, आपसे गुजारे चाहे तो उस रीजन को जो है ना कायम रखें, ताकि हमारा मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ काम चलो। कैमरा मैन साथ डॉक्टर नवीद सैमन।